आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि चाहे वो आपका ऑफिस हो या घर हो या फ्रेंड सर्कल हो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा निराश हो गया हो और आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलें कि वो मोटिवेट हो जाए, एनर्जाइज हो जाए, तो और आपको प्रॉब्लम आती है कि ऐसा मैं क्या बोलूं, मैं इसकी हेल्प कैसे करूं, तो आपके लिए मैं लाई हूं 10 ऐसे तरीके जिसे आप बोल के आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, उसे एनर्जाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेंटेंसेस गाइस। फर्स्ट वन इज गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई का मतलब होता है कि कोशिश तो करके देखो, एक बार कोशिश तो करो, गिव इट अ ट्राई। द सेकेंड वन इज यू कैन डू इट। यू कैन डू इट का मतलब तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। द थर्ड वन इज गो फॉर इट। गो फॉर इट का मतलब कर दो, कर डालो, गो फॉर इट। The fourth one is don't give up. Don't give up का मतलब होता है आशा मत छोड़ो, हताश मत हो, don't give up, हार मत मानो, don't give up. And the fifth one is do the impossible. Do the impossible इसका मतलब होता है कि जो चीज असंभव है, मतलब जो कोई कर नहीं सकता वो भी करके दिखा दो, do the impossible. The sixth one is You can do it on your own. That means कि तुम ये अकेले कर सकते हो, तुम ये अकेले कर सकते हो, You can do it on your own. अब आइए सीखते हैं वो तरीके, अगर किसी ने पहली बार कोशिश की और वो फेल हो गया किसी वजह से, तो उसे अगली बार कैसे करना है, इसके लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि अगली बार तुम कर सकते हो। सो आप बोलेंगे You'll do better next time. You'll do better next time मतलब you will do better next time, तुम अगली बार और बेहतर करो। The next one is stay strong मतलब हिम्मत बनाए रखो, stay strong. And the next one is practice makes a man perfect. That means कि लगातार अभ्यास करने वाला ही successful होता है, लगातार अभ्यास करने से ही व्यक्ति परिपूर्ण होता है। Practice makes a man perfect. And the next one is, you are strong enough and will get over it. That means कि तुम बहुत मजबूत हो और तुम इससे उभर जाओगे. You are strong enough and will get over it. And the last but not the least, every cloud has a silver lining. निराशा में ही आशा की यानी कि उम्मीद की किरण होती है. Every cloud has a silver lining. Alright guys, I hope कि आपके sentences पसंद आए हो, ये तरीके आपको पसंद आए हो किसी को motivate करने के। अगर आप इनमें से कोई भी sentence use करना चाहें तो आप बेफिक्र use करें, बहुत ही छोटे और बहुत ही easy sentences हैं और सामने वाले को इससे बहुत हिम्मत मिलेगी। I hope कि आपको ये तरीके पसंद आए हो और जो आपको सबसे बेहतर तरीका लगा हो उसे comment में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके लिए ये video helpful है या नहीं। I'll meet you in my next video. Till then, keep learning and keep smiling. Thank you so much, everyone. Thanks for watching. Bye for now.